क्या हीराबाई के बाद बद्री प्रसाद भी मारा गया? हाँ ठाकुर साहब, वो तीनों त्रिदेवियां डाकू बन गई हैं और उन्होंने अपने दुश्मनों का कलेजा चीरने की कसम खाई है। लेकिन मुझे किस बात की चिंता है, उन तीनों में से कोई भी नहीं जानता कि उन तीनों की बर्बादी का कारण सिर्फ मैं हूँ। मैं लेकिन मुझे तो चिंता है, वो कभी भी मेरी लुंगी फाड़कर रुमाल बना सकती हैं। फिकर मत करो रंजीत, तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए डीएसपी ने इंस्पेक्टर बादशाह खान को भेजा है और बादशाह खान अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह जानता है। गुड मॉर्निंग सर। आओ बादशाह खान, मैं अभी भी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। मेरी खुशकिस्मती है सर, हुक्म कीजिए। तुमने फूलन हसीना और रामकली का नाम तो सुना होगा। जी हाँ। मैं ये केस तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे ये तीनों डाकू लड़कियां चाहिए बादशाह खान। खान वादा तो नहीं करता सर, अपने काम को अंजाम देता है और अंजाम बहुत जल्द आपके सामने होगा। लेकिन सर, ऑपरेशन करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि मरीज को बीमारी क्या है, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनती। सर, हसीना जैसी बहादुर और ईमानदार पुलिस अफसर डाकू बन गई, इसके कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इंस्पेक्टर खान, कानून को डाकू चाहिए, डाकू बनने की दलीलें नहीं। इंस्पेक्टर सक्सेना, जिस दिन हम डाकू बनने की वजह जान लेंगे, उस दिन के बाद कोई भी डाकू बनने पर मजबूर नहीं होगा और ना ही कानून को कभी डाकू पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। तब तो सारे बंद करने पड़ेंगे। वैसे फिर भी आपके इरादे क्या हैं? शीशे कभी कातिल नहीं होते, कुछ पत्थर उन पर बरसते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, और जब वो टूटे हुए शीशों के टुकड़े हमारे पैरों में चुपकर खून बहाते हैं तो हम उन्हें डाकू कहते हैं, कातिल कहते हैं। शीशे कातिल नहीं होते, कातिल वो पत्थर होते हैं जो उन शीशों को तोड़ते हैं। हमें उन पत्थरों को तोड़ना होगा। ये केस तुम्हारा है बादशाह खान, इसे तुम जिस तरह भी चाहो हैंडल कर सकते हो। थैंक यू सर।